शायद मुझे लगता है कि 35 लाख दिए ही नहीं जल रहे हैं, ये 35 लाख दिए सनातन विरोधियों के दिल को जला रहे हैं। मुझे लगता है कुछ लोगों को हार्ट अटैक ना जाए ऐसे दृश्य देख करके। 500 वर्ष बाद हमें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम ऐसी सुंदर दिवाली मना रहे हैं। मैं तो धन्यवाद करता हूं, चाहे जिस कारण से, मैं कहता हूं बीजेपी ने अपने राजनैतिक फायदे के लिए किया होगा, लेकिन 500 वर्ष बाद कोई पार्टी तो आई जिन्होंने सनातनियों को इस प्रकार का सम्मान दिलाया। रावण के लिए एक चौपाई कहा गया था श्री रामचरितमानस में कि पर उपदेश सकल बहुतेरे और जे आचरे ते नर न घनेरे। मैं निवेदन करूंगा जो भी सनातन विरोधी हो इस चौपाई को पढ़ लीजिएगा, दूसरे को उपदेश देना बहुत आसान होता है और वही कार्य वाक्य में तौकीर रजा जैसे व्यक्ति कर रहे हैं। मुझे इस पर बहुत टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है, वो जो टिप्पणी कर रहे हैं उनके हृदय में पीड़ा हो रही है, उनको वास्तविकता में सिर्फ जो प्रदूषण नजर आ रहा है, यही नहीं अभी तो ज्ञान शुरू होता है ना, जो हमारे त्योहार आते हैं तो बड़े ज्ञानी लोग वो बरसात के मेंढक की तरह निकलते हैं, फुदकना शुरू करते हैं, और फिर होली पर पानी नहीं बर्बाद होना चाहिए उस पर ज्ञान आता है, दिवाली पर पटाखे नहीं जलना चाहिए उस पर ज्ञान आता है। लेकिन मुझे तो आज का दृश्य देख करके सुचारिता जी एक शब्द नजर आता है, एक बड़ी सुंदर भजन गाई थी कि आज लड़ियों से मड़ियों से फुलझड़ियों से सजा राम दरबार शोभा अजब बनी। तो जो आज की शोभा है मुझे लगता है इसको निहारना चाहिए। और यह सत्य था, पहले भी जब यज्ञ होता था ना तो फिर राक्षस आते थे और उसमें विघ्न डालने के लिए पहले बातों की तरफ से प्रहार करते थे, फिर कुछ पत्थर वत्थर मारकर प्रहार करते थे, कुछ उसमें हड्डी मांस डाल करके यज्ञ को रोकने का प्रयास करते थे। इन्हीं सब उन्हीं राक्षसों को नष्ट करने के लिए भगवान राम ने 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया था और उन राक्षसों को नष्ट किया था। तो ये जो कुछ बरसाती मेढक हैं, वो चाहे जहां से हो, मैं सीधी सी बात कर रहा हूं, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं जिनका ज्ञान अब निकल रहा हो, और चाहे जो भी तौकीर रजा से छोटे मोटे लोग, मुझे आज अच्छा लगा क्या नाम है, मुझे ऐसा लगता है पंडित जी कि प्रदूषण पर काम करना हम सबकी जिम्मेदारी है, ये हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए। पटाखे कई प्रकार के होते हैं सुचारिता जी, हाँ ठीक है, 9 वर्ष पे नए पटाखे निकल आते हैं, 9 वर्ष पे पटाखों का प्रकार बदल जाता है। जेल से छूट करके मुख्यमंत्री अगर केजरीवाल जाए तो पटाखों का प्रकार बदल जाता है। उस पर भी आ रही हूँ, लेकिन एक तस्वीरें पहले दिखा देते हैं एक बार जरा। ये तस्वीरें जो आ रही हैं ये सीधे अयोध्या धाम से आ रही, अयोध्या में राम की पैड़ी से आप देखिए जो एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जो रिकॉर्ड नाम अपना बना रहा है, 28 लाख दीप राम की पैड़ी पर सरयू के किनारे जिस तरह से सजे हुए हैं, ये अपने आप में एक भव्य तस्वीर है। और यहाँ प्रभु श्री राम के आगमन के बाद आप लोग सब अपने घर में दिए प्रज्वलित कर रहे होंगे, इसी कोशिश और इसी आस के साथ कि आपका घर भी उसी जगमगाहट के साथ रोशन हो जैसा अयोध्या में है और प्रभु श्री राम का आशीर्वाद बना रहे। तो ये तस्वीरें सीधे अयोध्या से आ रही। एक बार ऋतु के पास चलते हैं, ऋतु जरा बताइए, वहां तस्वीरें भी मैं देख रही हूँ बहुत खूबसूरत और बहुत से लोग वहां जुटे भी हैं, ये रिकॉर्ड दर्ज हो चुका है। बिल्कुल, और ये तस्वीर मैं साथ साथ आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले दियों की तस्वीर आपको दिखाते हैं, यहाँ पर जो ये दीपक जलाए गए हैं, 28 लाख दिए बिछाए गए थे लेकिन 25 लाख दियों का रिकॉर्ड यहाँ पर कायम हुआ है। और दूर तक आपकी नजर जहाँ तक जाएगी वहाँ तक आपको सिर्फ दिए ही दिए, दियों से जगमग ये घाट आपको नजर आएगा। और ये मानो कि त्रेता की अयोध्या नजर आ रही हो, त्रेता में जिस तरीके से 14 साल का वनवास काट कर अयोध्यापति अयोध्या नरेश लौटे थे, उस वक्त दिए बिछा करके दिए जला करके जो इंतजार था अयोध्या वासियों ने किया था प्रभु राम का, और उसी तरीके से यहां पर देखिए ये तस्वीर है कि दियों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लोग अभी भी यहां पर दिए देखिए किस तरीके से जलाते हुए नजर आ रहे हैं। 16x16 की ग्रिड हम जिस तरीके से दिखा रहे हैं यहां पर लगाई गई है दियों की, ये जो दिए बिछाए गए हैं ये तस्वीर अपने आप में विहंगम दृश्य को दर्शा रही है, अलौकिक नजर आ रही है। और यहां पर ये जो भव्य रिकॉर्ड बना है, विश्व कीर्तिमान बना है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसे दर्ज किया जा रहा है। और ये तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, जो श्रद्धालु जो भक्त यहां पहुंचे हैं
वो जो संख्या है वो असंख्य है, वो अकल्पनीय है, वो यहाँ पर जो शब्दों में अगर मैं कहूँ तो पिरोना मुश्किल है, और जो यहाँ पर माहौल है, जो वातावरण है, वो त्रेता के समान नजर आ रहा है। मानो ये त्रेता वाली सही बात कह रही हैं आप, और यहाँ पर आप वहाँ पर उसकी साक्षी भी बन रही हैं। आपके माध्यम से तस्वीरें घर घर तक पहुंच रही हैं ऋतु, ये बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है। और जैसा आप देख रहे हैं राम की पैड़ी पर जो लेजर शो होता है वो भी वहां पर हो रहा है, वहां पर रामलीला का भी मंचन हो रहा है। इस सब के बीच जैसा मैंने कहा कि अयोध्या में जहां भक्ति है तो अयोध्या से ही सियासत भी हावी है। मैं एक बार जरा ये सीधे सीधे कहूं सिद्धार्थ यादव जी के, जिस तरह से अभी फराज जी बोल रहे थे यूपी से, मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ, बहुत सारे समीकरण इस उपचुनाव के बाद तय होंगे, ये बिल्कुल क्लियर है। लेकिन मैं उस उपचुनाव की भी बात कर रही हूँ, साथ ही हिंदू त्योहारों पर हमले की भी बात कर रही हूँ, क्योंकि आज जब आपके जो वरिष्ठ सांसद हैं सुधांशु जी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने सीधे सीधे कहा कि त्योहारों पर टारगेट किया जाता है, हिंदुओं के त्योहारों को टारगेट किया जाता है, खासकर दिल्ली में जहाँ अभी पटाखे जलाए भी नहीं गए, लेकिन उससे पहले ही प्रदूषण है, उसका हल नहीं है, लेकिन पटाखे बैन कर दो पहले। देखिए सुचारिता जी, मैं दोनों बातों का जवाब देता हूँ। पहली बात तो फराज किदवई जी, बड़े बड़ा एक श्लोक उनको सिखा के भेजा गया तो वो यहाँ पढ़ के बता रहे थे, अपना पराया मत मानो। ये वो पार्टी के प्रवक्ता हैं जो राम मंदिर को भी कह रहे थे तो भाजपा का मंदिर है, जो आज तक देश के आराध्य के सबसे बड़े मंदिर में, जहां पर करोड़ों हिंदुओं की आस्था हो, आज तक दर्शन के लिए नहीं जा पाए, वो वसुधैव कुटुंबकम सिखा रहे हैं। ये तो खूबसूरती है हमारे देश की कि ऐसे लोग आते हैं, बैठते हैं, वसुधैव कुटुंबकम पे ज्ञान देते हैं और चले जाते हैं। जिनने राम भक्तों पर गोली चलाई थी तब वसुधैव कुटुंबकम कहां चला गया था, तब अपना पराया कहां चला गया था। पर खैर छोड़िए, पुरानी बात हो जाएगी फिर बहुत लंबी बात जाएगी और आपको कई चीजों का खराब लग जाएगा, पर आज एक सत्य तो बोलना चाहिए। अयोध्या के अंदर बड़ी खुशी इनको हुई है बताते हुए, अयोध्या से जीत हुई। आप फैजाबाद जीते हैं, अयोध्या नहीं जीते। अयोध्या एक विधानसभा है, फैजाबाद लोकसभा में बहुत विधानसभाएं हैं। अयोध्या ने किसको मत दिया उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। तो ये अपने आप को फर्जी क्रेडिट देना, पर मैं तो कहता हूं आप खुश होइए, आइए कहिए कि अयोध्या हमारा है, हम अयोध्या जीतना चाहते हैं, अयोध्या के लोग हमको वोट दें। पर मंदिर नहीं जा पा रहे हैं और कहीं ना कहीं किसी वोट बैंक को खुश करना चाहते हैं। चलिए आज के दिन उसकी चर्चा नहीं करेंगे, पर मैं हिंदू त्योहारों पे जरूर एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए सुचारिता जी, आज जो दृश्य आपके टीवी पे दिखाए जा रहे हैं ये सबके मन को खुश करने वाले दृश्य हैं। ये भारत की संस्कृति, भारत के आराध्य का इतना बड़ा पर्व, ये देश भर के भारतवासियों को मन प्रफुल्लित करने वाले दृश्य हैं। पर ऐसे में कहीं ना कहीं हमारे देश में रंग में भंग डालने वाले लोग हैं। आज दिल्ली के अंदर 350 AQI हो चुका है। दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण को लेकर के प्रदूषण रोकथाम का जो बजट था उसका एक पैसा दिल्ली की सरकार खर्च नहीं कर रही। किसी प्रकार के वाटर कैनन्स का प्रयोग नहीं किया जा रहा, किसी प्रकार के ड्यूमिडिफायर्स का नहीं किया जा रहा, जो लगाए गए थे जो पोल्यूशन को रोकथाम के लिए जिन डिवाइसेस को इंस्टॉल किया गया था करोड़ों के खर्च के बाद उन पर ताले लगे हुए हैं। अगर आज दिवाली का एक पटाखा नहीं फूटा उससे पहले इतना प्रदूषण है तो सरकारें कहां हैं? क्या सरकारें अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए हिंदू त्योहारों को इतना कमजोर मानती हैं कि उन पर टिप्पणियां कर देंगी?